छोड़ोगे नहीं। और कुछ ऊपर रखना है? आदरणीय गुलाब जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज के मंत्री आदरणीय विमल जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर जगदीश प्रसाद जी सिंगल, महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के डॉक्टर देव स्वरूप जी, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय, माननीय श्री प्रोफेसर रमेश चंद्र जी सिन्हा, महासंघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर नंद किशोर जी पांडे, आयोजन सचिव डॉक्टर नारायण लाल जी गुप्ता जो महामंत्री गुप्ता के हैं और जो माइक संभाले हुए हैं, और संपूर्ण देश से पधारे हुए उच्च शिक्षा जगत के सब महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं प्रणाम करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहूँगी कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने आज इस संगोष्ठी के अंदर मुझे बुलाया और आप सबके बीच में आने का एक बहुत अच्छा अवसर मुझे दिया। मुझे ये भी जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और भारतीयता से जुड़े हुए समाज की विचारधारा रखने वाली ये संगठन 1988 से लगातार सेवा और समर्पण के भाव से यह काम करता आ रहा है। और ये भी हर्ष का विषय है कि 23 प्रदेश, 35 राज्य स्तरीय संगठन और 50 से अधिक विश्वविद्यालय संगठन इस महासंघ के साथ जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी बात है। और आज आप लोगों ने वो संगोष्ठी की है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन हायर एजुकेशन, बहुत मैं समझती हूँ कि आज की क्राइंग नीड, इतना सारा काम एजुकेशन के अंदर हो रहा है पर कहीं इधर हो रहा है कहीं उधर हो रहा है। और आज मैं इसलिए आप लोगों के सामने खड़ी हुई, मैंने तो ये कहा कि मुझे प्रोफेसर साहब, मैं इनको कह रही थी मुझे संकोच होता है कि मैं मुझे आप इस मंच पे खड़ा करके भाषण दे पा रहे हो ऐसे लोगों के सामने जिनको मुझसे बहुत कुछ ज्यादा ज्ञान है, अब उनके सामने मैं क्या ज्ञान दूं। मैं तो खाली इतना ही कह सकती हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस पे ड्रॉ करके अपनी जो बातें हैं बस एक स्टूडेंट के नाते आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। पर शुरुआत करते करते मैं सबसे पहले तो प्रणाम करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोगों से जो शिक्षित हुए लोग हैं उन लोगों ने सब मिलके इतना बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर किया है जो मैं समझती हूँ कि पॉसिबल नहीं होता अगर सब लोगों ने मिलके, आप लोगों ने सबने मिलके ये चेंज नहीं लाया होता। किसी के माइंड में ऐसे ही नहीं आ जाता है। ये जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, ये उनकी कृपा है जिसकी वजह से आज हमारा देश एक नए नेतृत्व के नीचे एक अलग से फ्यूचर को देखते हुए एक नया रास्ता पकड़ने की तैयारी में एक नई व्यवस्था को इस देश के अंदर बिठाने का काम करें। सो जितना मैं आपको धन्यवाद दूंगी मैं समझती हूँ कि कमी है। ये मुझे राजस्थान के अंदर भी देखने को मिला। मैं मानती हूँ कि 200 सीट में 163 सीट या 25 में 25 के 25 सीट कोई एक व्यक्ति या एक संगठन नहीं कर सकता था। मैं आपको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस चेंज को आप लोगों ने छोटे से छोटे गांव से निकाल कर और बड़े से बड़ी व्यवस्था के अंदर ले जाने का आप लोगों ने काम किया है। ये जिसको कहते हो ना सर अनसंग हीरोज, तो सब अनसंग हीरोज हैं परंतु नेवरदलेस वो हैं हीरोज। एंड आज आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
पर जो मैंने अपने 4-5 साल के अंदर तब देखा और जो मैं अब, क्योंकि अब मैं सघन दौरा करने की कोशिश में हूँ, मैंने ये तय कर लिया कि एक व्यवस्था जो हम लोगों ने जनता के लिए बनाई थी, व्यवस्था के पहिए जैम हो गए हैं। और ये जरूरी है कि सरकार जाए जनता के बीच में और जनता की पीड़ा को समझ के उसको बदलने की कोशिश करे, ये पहिए को तेल में फिर से तेल डाले और उनको चलाने का काम फिर से कर दें। ये फैसिलिटेटर के रूप में हम वो काम करने की कोशिश करें और उसको ध्यान में रखते हुए भरतपुर का दौरा, आपके बीकानेर का दौरा, उसके बाद उदयपुर का दौरा हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये चीज हम लोगों को एक अच्छी तरह से और जोरदार तरीके से निकल के आई कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट शिक्षा कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हम कुछ भी कर लें, हम देख लेते हैं और आप आजू बाजू देख लीजिए कि जहां जहां शिक्षा अच्छी है, अपने पैर पे खड़ी है, जहां शिक्षण संस्थान अच्छे हैं, वहां के लोग आगे बढ़ चुके हैं, उनको किसी किस्म की मदद की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूं कि जब हम लोगों को इतना हाथ बढ़ाना पड़ता है, इतना सब्सिडाइज करना पड़ता है और उसके बावजूद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर गलती कर रहे हैं। चलाने वाले वो सही नहीं बिठा पा रहे हैं और जो नीचे से पढ़ाने वाले, जो व्यवस्था बनाने वाले, वो शायद उसको नहीं कर पा रहे। मैंने अभी सिंगर साहब से बात कर रही थी तो मैंने कहा ये जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी गोष्ठियां संपन्न करनी चाहिए जिसके अंदर शिक्षाविद आए, विद्वान लोग आए, गुरुजन आए, बैठे और एक दफा उस प्रदेश की क्या स्थिति है उसको देखने को, समझने को और उसके साथ बातचीत करने को, पेपर्स निकालने वो भी प्रयास करें ताकि एक क्या बोलते हैं, रास्ता, एक रोड मैप बन जाए जिस रोड मैप को लोग फॉलो कर सकें। तो आप मानोगे नहीं और मैं भी मानने को तैयार नहीं थी, पर मैंने जब देखा तो पीड़ा आई हुई और मैं समझती हूँ कि गुलाब जी भी उसी के बारे में आपको बताएंगे कि जब बिल्कुल अंदर के गांव के अंदर घुसे तो ऐसा लगा कि जयपुर के बीच में और उनके बीच में जमीन आसमान का फर्क, ऐसा लगा कि बाबा आदम के जमाने के अंदर वो रह गए और कोई रह गए और लोग उनको भूल गए। गांव के अंदर गए तो जब शिक्षा की देखा, मैंने गांव में गई तो उनसे जब से बात की तो मैंने देखा, क्योंकि हम वहां थे एक एक में मैं समझती हूँ कि 10 दिन, तो जब गांव में जाके स्कूल के अंदर मैं गई तो मैंने पता किया पहाड़े आते हैं क्या, पहाड़े में स्कूल के बच्चे दो दो तीन तीन चार चार क्लास के बच्चों को पहाड़े नहीं आते थे, पढ़ नहीं सकते थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि मिड डे मील की वजह से कुछ बच्चे वहां आ गए। जो एड्स स्कूल के अंदर दिए गए थे वो एड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे थे और मैंने कई स्कूल में कई कमरों के ताले खोले जिसके अंदर कंप्यूटर वैसे ही धूल खाते पड़े हुए थे, परंतु उसके साथ साथ मैंने कुछ उत्कृष्ट जगह को भी देखा। उदयपुर के अंदर उत्कर्ष करके एक प्रोग्राम चला है जो ये आपके IEC के नीचे जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है उसके तहत एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चालू है वो आपने भी देखे होंगे, उनका मैंने देखा कि उदयपुर में वहाँ के कलेक्टर, वहाँ के सब लोगों ने मिलकर एक बेस्ट प्रधान अध्यापक को चूज किया, महिला थी और उन्होंने मिलके और उन्होंने अपने नीचे 14 बहुत उत्कृष्ट लोगों को चूज किया और उन लोगों ने मिलके प्रोग्राम बनाया और उन्होंने प्रोग्राम बना के उसको अपलोड किया और अपलोड करके उस स्कूल के अंदर जिसको मैंने देखा उस स्कूल के अंदर प्रोग्रामिंग करके उन बच्चों को शिक्षित करने का काम किया। भाई साहब आपको मैं बता नहीं सकती हूँ, बच्चों के बिल्कुल बाल बने हुए थे, बिल्कुल चकाचक थे, आंखें चमक रही थी, ऐसा था कि भाई मैं कब क्लास स्टार्ट करूं। और दूसरे थे जहां बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, गंदगी कोई मतलब नहीं, ये तो ऐसे थे जैसे पढ़ाओ हमको और पढ़ाओ, इंटरेस्ट था, खुशी थी स्कूल में आने पर, खाली अपने मिड डे मील की वजह से नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे क्योंकि वो पढ़ाए जा रहे थे, वो टीचर्स के साथ उनका जुड़ाव था,
वो टीचर्स उनको नई नई चीज बता रहे थे, एक्साइटिंग चीजें बता रहे थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, वो समझ गए थे कि उनका माने कैसे लॉग इन होता है, वो जानते थे कि अपनी परीक्षा वो उसमें ले सकते थे। इतना अच्छा लगा उनको देख के। और मैंने कहा कि अगर एक स्कूल में इस तरीके का हो सकता है, सिर्फ 300 स्कूल राजस्थान के अंदर चल रहे हैं जो शायद हम नहीं देख पाए, परंतु चल रहे। और वो बच्चे इतने खुश थे, पढ़ रहे थे, और मुझे तो ये विश्वास है कि ये बच्चे जो यहाँ से निकल के जाएंगे वो बहुत ऊंचे जाएंगे। ये उन टीचर की खूबी है। मैं खुद आपको कह सकती हूँ कि जब मैं स्कूल में थी तो मैं फर्स्ट क्लास स्टूडेंट तो थी, परंतु मैथ्स से तो मेरा ऐसा ऐसी लड़ाई थी कि मैथ्स का कोई भी कागज मेरे सामने रख दे तो जीरो लेना ही था। परंतु एक टीचर मेरी जिंदगी में आई और अब वो मैथ्स मेरे हायर सेकेंडरी का बहुत बड़ा हिस्सा था। वो पुराने सीनियर केम्ब्रिज था, आपको याद है, उसमें आपके इतने सब्जेक्ट्स होते थे और आपको इतने पॉइंट्स लेना पड़ता था। अब मेरे उसमें जीरो मिल जाता था तो मेरे और कुछ काम ही नहीं होता था। उसने मेरे को ट्यूशन देना शुरू करा और मालूम नहीं क्या मेरे दिमाग के अंदर उसने किस चाबी के साथ कौन से ताले को खोला, मैथ्स में इतना रुचि हो गई, इतना मजा आ गया कि मेरे को मैथ्स में फर्स्ट क्लास मिला। और वो 1.5 साल के अंदर मैं 10th के अंदर उनसे मिली एंड 12th में बिल्कुल कायापलट। वो कौन सी टीचर, मैं उसको जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकूंगी। इसलिए जब आप फिल्म देखते हो ना, टू सर्व विथ लव, अभी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते जब उसके बारे में सोचती हूँ कि कौन ऐसा अध्यापक है, जो कौन ऐसा विद्या देने वाला व्यक्ति है जो इस तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल के अपने मन से अपने क्लास से ऐसे बच्चों को जोड़ देता है कि वो बच्चा कभी भी जिंदगी में उसको, चाहे वो कितना भी बूढ़ा हो, 80 साल की जब मैं हो जाऊंगी मतलब मैं कभी उसको भूलूंगी नहीं। ये एक चीज है, मैं समझती हूँ कि वो आप लोगों का बहुत बड़ा एक पुण्य है। काम नहीं है ये, जॉब नहीं है ये, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और जो व्यक्ति, जो टीचर इस तरीके से जुड़ जाता है तो मैं समझती हूँ कि वो लोगों की जिंदगी बदल के रख देता है। क्या मालूम वो एक नेल्सन मंडेला बन जाए, क्या मालूम वो एक नरेंद्र मोदी बन जाए। कहाँ से निकल के कहाँ तक वो पहुँचे और कहाँ किन सारे लोगों की, किन सारे प्रदेशों की, किन सारे दुनिया की जिंदगी को बदलने का काम कर जाए, वो एक वो टीचर का काम है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे तो गुरुजन, उनके सामने तो मैं नतमस्तक, और मैं मानती हूँ कि यही गुरुजनों को अब मिलके राजस्थान के नहीं, इस देश के इस एजुकेशन फैसिलिटीज को बदलने का काम अब करना होगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी नहीं है, हम समझते नहीं इस चीज़ को। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ के मदद आपको कर सकते हैं, फैसिलिटेट आपको कर सकते हैं, परंतु ये चेंजेस हर स्कूल में आप ही को लाना पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी में आप ही को लाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ देख रही हूँ 750 यूनिवर्सिटीज इस देश के अंदर है। अमेरिका में देख लो कितनी सारी यूनिवर्सिटीज है, 750 ड्रॉप इन द ओशन। आप यूके जैसे छोटे जगह पे देख लो, एजुकेशन लेवल्स, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन लेवल्स कहां से कहां पहुंच गए। इस 750 यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे 42 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 300 स्टेट यूनिवर्सिटीज, 200 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 131 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, रिमेनिंग आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। और इसमें से राजस्थान में क्या है, 26 स्टेट यूनिवर्सिटीज विच आर गवर्नमेंट फंडेड, 42 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, 3 or 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एंड देन दिस राजस्थान यूनिवर्सिटी विच इज द लार्जेस्ट इन द कंट्री, 1200 एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड 30,000 स्टूडेंट्स। मैंने आई एम ट्राइंग टू से, मैं यहां आप लोगों को सबको कह रही हूं कि भाई दिस इज अ ड्रॉप इन द ओशन। इसीलिए ये जरूरी है कि जो ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म हैं, स्पेशली इन हायर एजुकेशन, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से एक दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट किया जाए, किस तरीके से उसको आगे यूटिलाइज करने का, ताकि सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा मिले। मैं मानती हूं कि अब वो समय आ गया है कि हम लोगों को
आईटी के ऊपर अब बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आईटी के साथ साथ अब हमारे बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, और वो ये एक चीज है जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूके हो, कोई भी हो, जब आपको H1 वीजा देता है वो देता है इसी के ऊपर कि आपकी शैक्षणिक परिस्थिति क्या है। अच्छी है तो यू वो तो आराम से और प्यार से आपको लेंगे। सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी लोग सबसे ज्यादा ब्रेनी और क्लेवर जिसको कहते हैं वो हिंदुस्तानी है। अपना दिमाग अगर सिर्फ एजुकेशन और राइट लाइन में लगा दे तो मैं समझती हूँ कि ये देश वालों ने कहाँ से कहाँ पहुंचा है। मैं तो ये बिजली के क्षेत्र में ऐसे नासा साइंटिस्ट से मिली हूँ, ऐसे नासा साइंटिस्ट अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं तो मालूम नहीं हमारा प्रदेश कहाँ से कहाँ चला जाए। अब आप सोच रहे हो कौन सा नासा साइंटिस्ट, उसमें लाइन में कैसे लाइन जोड़ना, हम लोग क्या करें और किस तरीके से वहाँ जुड़ सके, वो आराम से मैनेज कर लेते हैं, वो मालूम नहीं कैसे करते हैं। मैंने कहा भैया अपना दिमाग इसमें लगा लो तो कितना मजा आ जाए, देश और प्रदेश कहाँ से कहाँ बढ़ जुड़ जाए। मैं यूनिवर्सिटीज को देख आई हूँ अमेरिका में, मैंने देखा यूके में, और आज मैं प्रोफेसर साहब आपको ये कहना चाहूंगी कि दे आर मोर देन 70% प्राइवेट, प्राइवेटली फंडेड, प्राइवेटली एक्नॉलेज, पर उनका बोर्ड है एंड बोर्ड जो है वो इतना स्ट्रांग है कि वो प्राइवेट जो जिसने पैसे भी दिए हैं वो उसको बदल नहीं सकता, वो उसको बदल नहीं सकता, उसके रूल्स उसके रेगुलेशंस है। एंड दे बिलीव कि भाई सबसे ज्यादा उत्कृष्ट हमारी यूनिवर्सिटी कैसे बन सकती है, उसमें कैसे नए सब्जेक्ट्स हम जोड़ के उस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। कॉम्पिटिशन में MIT, येल, प्रिंसटन, बार्कली, हार्वर्ड, ऑक्सफर्ड एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में लगे हुए कि सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास आए, सबसे बड़े अच्छे बच्चे हमारे साथ निकल के जाए तो कह सके कि भाई तो हम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के हैं या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। तो अमेरिका कहता है नहीं नहीं ये तो प्रिंसटन के हैं या येल के हैं या बार्कली के हैं। मेरा ये कहना है कि हम भी चाहते हैं कि लोग कहें कि हम हिंदुस्तान की ये यूनिवर्सिटी से निकल के आए। ये नाम हम कब और कैसे पहुंचाएं, खाली स्टडीज में अच्छा होना मैं समझती हूँ कि एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी नहीं होती। जब बच्चा कॉलेज में जाता है तो एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी को उसमें से निकलना है। हर एक आदमी तो विद्वान नहीं बन सकता, एकेडेमिक नहीं बन सकता, उसमें से कुछ एकेडेमिक बनेंगे और वो एकेडेमिक लाइन को लेंगे, कुछ ऐसे बनेंगे जो वहां से एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटीज लेके अपने कम्युनिटीज में चले जाएंगे, अपने समाजों में जाके वहां बदलाव लाने का काम करेंगे, अच्छा बिजनेस चलाएंगे या अच्छा काम करके वहां लोगों को NGOs के माध्यम से या किसी भी माध्यम से समाज की सेवा भी करेंगे। और एक वो है जो यूनिवर्सिटीज के अंदर रोजगार से जुड़ेगा कि किस तरीके से रोजगार से जुड़ सके। मुझे याद है कि वाजपेयी जी ने जब मेरे को स्मॉल इंडस्ट्रीज की मिनिस्ट्री दी थी तो उन लोगों ने भी वो सोचते हैं कि भैया ये तो महारानी है, महिला है, क्या है, वो तो बाहर जाने का बहुत अच्छा है, उसको पसंद होगा। तो उनने मेरे सामने एक दुविधा रखी कि तुम टूरिज्म मिनिस्ट्री ले सकते हो या तुम ये मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ले सकते हो। तो उनने तो सोचा कि लेगी टूरिज्म मिनिस्ट्री क्योंकि बाहर जाने का रोज का काम है, सबका काम है। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे सामने था इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज तो मैं वैसे भी किताब पढ़ लेती हूँ, हिस्ट्री अच्छा लगता है तो पढ़ लेती हूँ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मन नहीं लगता, तो कोई जब पढ़ाएगा और फोर्स करेगा तभी पढ़ेंगे। तो मैंने इकोनॉमिक्स लिया तो मैंने कहा मेरे प्रोफेसर मेरे को सिखाएंगे तुमको पढ़ना पड़ेगा ये इकोनॉमिक्स, तो पढ़ना पड़ा। और मैंने कहा कि ये सोच रहे हैं कि मुझे जाना है विलायत, तो मुझे घूमना है इधर उधर, तो ये टूरिज्म का मेरे सामने वो लालच डाल रहे हैं, देखा उसको छोड़ो। मैंने कहा सर मेरे को स्मॉल इंडस्ट्रीज दे दो तो मैं हिंदुस्तान के चारों कोने में पहुंच सकूंगी और छोटे से छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने का मैं काम कर सकूंगी, ये मेरे को आप मौका दीजिए। वे सब लोग हंसने लगे, मैंने कहा आप लोग क्यों हंस रहे हो, उन्होंने कहा हम सोच रहे थे कि देखते हैं आप क्या लोगे, पर आपने ये लिया हमको सरप्राइज किया। और इस स्मॉल इंडस्ट्री के अंदर मेरे को जितना मजा आया भाइयों, मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ आप, क्योंकि तो छोटे से छोटे लोगों को व्यवस्थित करना, उनको अपने पैर पे खड़ा करना, उनको स्ट्रॉन्ग करना, इसका मजा मुझे मिला। और यही मजा आपके पास है, बड़ी इंडस्ट्री से काम नहीं चलता सर, बड़ी इंडस्ट्री तो सबसे ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाली है,
स्मॉल इंडस्ट्री सबसे कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है उसके। आज अगर स्मॉल इंडस्ट्री का हम लोग साथ दे दें तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान में कितनी शक्ति आ जाए। 10,000 crores में कुछ भी नहीं है, 10,000 crores में हमने उनको सपोर्ट कर दिया तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपका छोटा सा छोटा स्कूल जो है, अगर उस छोटे से छोटे स्कूल और छोटे से छोटे यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग पढ़ाना शुरू कर दें और अच्छी तरह से पढ़ाना शुरू कर दें और ये सोच के पढ़ाना शुरू कर दें कि मेरा नाम इस कॉलेज की हिस्ट्री में जाएगा, लोग याद करेंगे कि एक ऐसा टीचर था, एक ऐसा प्रोफेसर था जिसके बिना हम लोगों की जिंदगी नहीं चलती थी, जिंदगी नहीं चलती थी, और जिसने हमको अपना ये जीवन दिया है। कितना बड़ा काम है, मैं समझती हूँ कि ऐसा काम तो हम लोगों के किसी के हाथ में नहीं आता, ना हमारे किसी को के सौभाग्य में ये पड़ता है। अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज प्राइवेट होने के बावजूद भी बोर्ड्स बना के स्ट्रिक्टली उसका एडमिनिस्ट्रेशन करके और बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी बना सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स, दे हैव टू बी न्यू इंस्टीट्यूट्स और ओल्ड कॉलेजेस जिसको अपन स्ट्रेंथन कर सकें, जिनके अंदर कम्युनिकेशन हो, जिनको से इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्टीट्यूट ऑफ लैंडस्केप एंड आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट फॉर टूरिज्म नॉट जस्ट नॉट टीचिंग टूरिज्म, टूरिज्म के अंदर न्यूट्रिशन हो, टूरिज्म के अंदर जो बैक ऑफिस काम जो कोई पसंद करता नहीं है करने के लिए, जिसके अंदर एक्सपर्टीज की जरूरत है ताकि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे बढ़े, ऐसे के लिए लैंग्वेजेस। आज दुनिया एक हो गई, इतनी छोटी हो गई है, अगर आपको चाइनीज मालूम हो जाता है तो समझो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, आपको रशियन मालूम है तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन वगैरह वगैरह, तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेजेस। अगर एक इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस है जिसमें बच्चों को ये स्किल दिया जाता है तो मैं समझती हूँ कि वो भी एक नए लाइन पे भी जाने का वो कर सकते हैं, इस देश के अंदर नहीं बाहर भी अपना काम फैला सकते हैं। उसके साथ साथ जो आज हमारे लिए बिल्कुल ही जरूरी है वो है एक शिक्षक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी जो है अपने पास उसको फ्रेशन करना ऑल द टाइम, आईटी के साथ उसको जोड़ना ऑल द टाइम, ये कैसे हो, दैट ट्रेनिंग इज, मतलब इसमें जाएंगे ट्रेन टीचर्स एंड इनको लगातार रिफ्रेशर्स के हिसाब से, ये रिफ्रेशर्स नहीं सर जिसमें आप रिफ्रेशर हो गया चलो यार तो बैठे 50 लोग चाय पी के आराम से अपना कर करा के, रिफ्रेशर माने रिफ्रेशर एक्चुअली रिफ्रेशर कोर्स, वो काम हो तो टीचर वहां से निकल के आए और 10 और टीचर्स को समझाए, उसके नीचे जो 10 टीचर्स हैं वो काम अपना अच्छा करने सके, तो आप ये समझिए कि डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट हमारे बदल जाए। आप नहीं समझ रहे कि आप कितने इंपॉर्टेंट पोजिशन में आप हो, आप हमारे स्टेट को बदल सकते हो, हमारे देश को बदल सकते हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट को बदल सकते हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पे, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। उसके साथ साथ मैं तो चाहती हूँ कि एक स्किल्स यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज एक स्किल्स यूनिवर्सिटी भी खोले जाए, स्किल्स यूनिवर्सिटी का भी हम राजस्थान के अंदर लाने का काम कर रहे हैं। ये दो दूसरी बात कि 7 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का हमारे पास परमिशन, मेडिकल यूनिवर्सिटीज का हमारे पास परमिशन आ गया है, तो जो डॉक्टर्स की कमी हमारे पास हो रही है वो हम लोग कर लेंगे, वो 7 यूनिवर्सिटीज वो आ गई। परंतु इसके साथ साथ हमको अभी बहुत कुछ बढ़ाना है और इसीलिए मैं अभी बात ही कर रही थी, मैंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो शिक्षक संस्थान हैं उनके साथ एक दफा बैठक हो, क्लोज्ड बैठक, जिसके अंदर अपने ऐसे बैठे बैठे दो दो तीन तीन ऐसे लोग आए और हम लोग पेपर प्रिपेयर करें, जैसे आपने अभी कहा आप लोग जो पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे पास भेजें, और एक छोटा एडवाइजरी बोर्ड, ह्यूज नहीं चाहिए आपको, छोटा एडवाइजरी बोर्ड जैसे अपने साथ रहे जिनके साथ अपन लोग काम कर सकें, क्योंकि इतना बड़ा वेल्थ, इतने सारे टीचर्स, इतना सारा काम, इतना सारा बड़ा प्रदेश, और हम लोग अगर नहीं बदल सकते हैं तो फिर तो शर्म आनी चाहिए, फिर तो क्या मतलब कहाँ जा रहे हैं। इसलिए आज वो स्थिति हो गई है, देखिए जो मैंने देखा था 2003 और 2008, आज जो मुझे देखने में दे रहा है, और 2003-2008 के अंदर उत्कृष्ट स्टेट का हम लोगों को पुरस्कार मिले, एजुकेशन लेवल्स बढ़ने लगे थे, जो आपके जो मेल स्टैंडर्ड रेट्स है, फीमेल एजुकेशन, मेल एजुकेशन जो भी आपके वो लेवल्स राइज करना शुरू कर दिए,
तब से लेके आज तक जो गिरावट आई है, आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी, वी हैव टू अपने को इसके बारे में कुछ करना। और ये मुख्यमंत्री हम लोग क्या जाने, भाई साहब तो फिर भी शिक्षक हैं गुलाब जी, तो वो तो उस रास्ते से निकल चुके हैं, मैं उस रास्ते से निकल नहीं पाई हूँ, मैं तो खाली पढ़ी हूँ। और मेरा जो एज अ स्टूडेंट उस टीचर से कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो एक्सपेक्टेशन है, अगर एक एक टीचर नीचे से लेके अपनी यूनिवर्सिटी तक वो काम कर ले, तो मैं समझती हूँ कि कहीं कुछ नहीं बिगड़ सकता। द फाइनेस्ट स्टेट इंडिया के अंदर, सबसे अच्छा, सबसे जाना माना स्टेट राजस्थान हो सकता है। बाहर के लोग भी आए हुए हैं, मैं तो इनको सबको प्रोत्साहित करना चाह रही हूँ। मैं मानती हूँ कि सब स्टेट्स इस हालात में आ सकते हैं, और इसीलिए वहाँ तक अपने को जाने की कोशिश करनी है। मुझे एक चीज़ और करना है जो मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना चाहूँगी, और वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। जिस तरीके से अजमेर यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने सेल बनाया था फॉर स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, मैंने उसको जोड़ा था क्योंकि मैंने कहा युवाओं को, ये ज़रूरी नहीं है कि सब युवा सरकारी नौकरी में आ जाए, सरकारी नौकरी इतनी है नहीं, इसीलिए साथ जोड़ने का काम हम करें छोटे क्रेडिट के साथ, और उसके साथ छोटे छोटे माने किस तरीके से जॉब माने अपने खुद की इंडस्ट्री लग सकती है, कोई सोइंग मशीन्स के साथ हो, कोई टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करना चाहे, तो उसके 5 लाख की 10 लाख की छोटी इंडस्ट्री अगर वो लगाना चाहता है तो वो क्या करे, कैसे जुड़े, कैसे निकले, उसकी मदद करने के लिए एक सेल अपने हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर बन जाता है, तो मैं समझती हूँ कि एक नया सब्जेक्ट उसमें लग जाता है। फिर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज में अगर हम लोग एक दफ़ा जायजा करें कि हमारे क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या कोर्सेज नहीं हैं, आज नए फ्यूचर्स की वजह से आप देख रहे हो बहुत सारे नए कोर्सेज, बहुत सारे नई जॉब्स निकल के आ रहे हैं, उनके साथ हम कैसे अपने आप बच्चों को जोड़ें, उनमें हम अलग अलग टीचर्स कैसे लाएं, और फैकल्टी एक्सचेंज क्यों नहीं करवाते, फैकल्टी एक्सचेंज में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। फैकल्टी एक्सचेंज तो ये भी हो सकता है कि आपके बहुत ही अच्छे प्रोफेसर जो है वो जाएंगे वहाँ येल में जाए, आपके हार्वर्ड में जाए, और वहाँ के प्रोफेसर आपके यहाँ आए लोगों को पढ़ाएं, ऐसी भी स्थिति क्या हो सकती है क्या। और ये जो रूल्स वगैरह की जो बात आप कर रहे हो, जो सब लोगों को AICT और इन सब लोगों को एक साथ करने की और एक कंसोलिडेटेड बात निकालने की कोशिश कर रहे हो, इट इज़ नॉट टू लेट, अपन को करना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो इसीलिए आज मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य का मौका है कि आपने सबने मिल के, इवन जी आपने, सिंगर साहब ने, सबने मिल के, और आपने मुझे यहाँ बुलाया, सब लोगों से मिलने का मौका दिया, और मैं ये समझती हूँ कि राजस्थान को आपने चुना, यही एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये पेपर्स मेरे पास आएंगे और आप लोग फिर हमारे साथ कभी ना कभी सबसे बेस्ट लोगों को निकाल के बिठाएंगे। मैं ये विश्वास करती हूँ कि राजस्थान को फिर पीछे रहने की ज़रूरत नहीं होगी, हर एक आदमी, हर एक टीचर, हर एक एकेडेमिक अपने काम में लगेगा, तो हमारा प्रदेश उससे बेनिफिट करेगा। यही आप सबको धन्यवाद देने के लिए और विश्वास दिलाने के लिए कि सरकार काम करेगी, आपके साथ करेगी, क्योंकि सरकार भी यही चाहती है कि हमारा स्टेट सबसे उत्कृष्ट हो जाए, उसके लिए आपकी मदद रहेगी। यही मैं सोच के आप लोग सबको, यहाँ जो भी आए हैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप यहाँ आए, आपसे मुलाकात हुई, थैंक यू।